हेलो गाइस, दिस इज क्रिप्टो वेंचर और एक बार फिर हम वापस आ गए हैं एक नए हीलियम के वीडियो के साथ। स्पेसिफिकली हम उसके अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, क्योंकि हाल ही में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हीलियम की तरफ से हमें देखने को मिले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ और आपको भी करते हैं अपडेट हीलियम नेटवर्क के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉक 28 के बारे में बात किया था, और ब्लॉक 28, 29 ये सब क्या है? ये बस एक ब्लॉक है ब्लॉग्स का जो हीलियम अपने तरफ से रिलीज करती है मीडियम के ऊपर, और उसमें वो वीकली और मंथली अपडेट्स को रिप्रेजेंट करती है, अपने कम्युनिटी के साथ शेयर करती है। तो आइए देखते हैं इस ब्लॉक में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इस ब्लॉक में सितंबर मंथ के बारे में बात किया गया है और कहा गया है दिस वाज अ बिग मंथ फॉर हीलियम इकोसिस्टम, और इनके तरफ से ऑफिशियली ये रिप्रेजेंट किया गया है कि 2000 नए हीलियम हॉटस्पॉट हर दिन ऑनबोर्ड होते हैं पीपल्स नेटवर्क के ऊपर। और इस पूरे ब्लॉग में जो सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि इसमें बोला गया है द नेटवर्क नेविगेटेड इनटू अनचार्टेड टेरिटरी ग्रीटिंग क्वाइट अ नंबर ऑफ फर्स्ट्स, जिसका मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हीलियम नेटवर्क पे हाल ही में हुई हैं जो पहली बार हुई हैं हीलियम नेटवर्क के साथ, जैसे कि पहला रोमिंग इंटीग्रेशन होना, पहला 5G गेटवे शिपमेंट कस्टमर्स तक पहुंचना, पहला सेल्यूलर मोबाइल प्लान बनना, और पहली सिटी जो इस नेटवर्क को ज्वाइन की है, और पहली कंट्री जो प्लान कर रही है फुल हीलियम कवरेज देने को, और साथ ही साथ एक ऐसी पहली यूनिवर्सिटी जो हीलियम नेटवर्क के साथ जुड़ गई है। बस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इस पे नजर डालेंगे कि 2021 स्टेट ऑफ IoT एसेट ट्रैकिंग रिपोर्ट क्या रहा। हीलियम एक प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट की थी 2019 से 2020 तक के लिए, जिसमें वो एसेट ट्रैकिंग और यूज केसेस के बारे में बात करती है। अगर आप इसके ब्लॉग पे जाएंगे तो इन्होंने जो एसेट ट्रैकिंग से रिलेटेड सर्वे किया था उसमें कुछ की टेक अवेज हैं, जिसमें से इन्होंने पहला बोला है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एसेट ट्रैकिंग अ मेजोरिटी ऑफ सर्वे रिस्पोंडेंट्स वर नॉट ट्रैकिंग देयर एसेट। तो पहला ये बोला है कि भले ही लोगों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एसेट ट्रैकिंग को लेके, बट ज्यादातर लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए हैं वो खुद एसेट ट्रैकिंग को यूज नहीं करते हैं। और जो इनका दूसरा की टेक अवे है वो ये है कि ये जो एसेट ट्रैकिंग का आइडिया लोगों के पास आया और वो लोग जागरूक हुए, वो सिर्फ और सिर्फ एसेट ट्रैकिंग से जो हो रहे लॉसेस हैं और थेफ्ट हैं उसको नजर में रखते हुए लोग जागरूक हुए, नहीं एसेट ट्रैकिंग जैसी फैसिलिटी भी होनी चाहिए और हमें अडैप्ट करनी चाहिए। और तीसरा फाइंडिंग इन्होंने पाया कि जो सबसे बड़ा बैरियर है एसेट ट्रैकिंग को लेके वो है एसेट ट्रैकिंग सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने पे जो कॉस्ट आता है। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इनका की टेक अवे है वो ये है कि एक अर्जेंट नीड है रेस्पोंडेंट्स की तरफ से एसेट ट्रैकिंग सॉल्यूशंस को लेके, कि उनको चीप एसेट ट्रैकिंग सॉल्यूशन मिले और साथ ही साथ ये उनको जल्दी प्रोवाइड किया जाए और साथ ही साथ उसको यूज करना भी आसान हो। तो लोग चाहते हैं कि एक ऐसा एसेट ट्रैकिंग सॉल्यूशन इनको दिया जाए जो कि सस्ता हो, यूज करने में आसान हो और उनको जल्दी प्रोवाइड किया जाए। तो ये सर्वे था इनका 2019 से 2020 तक का, बट एक और सर्वे इन्होंने शुरू किया है जो कि 2021 का है, जिसके लिए आप यहाँ पे इस ब्लॉग में आके अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें उन सभी डिटेल्स और कुछ एडिशनल डिटेल जो आपके एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स को बताता है। तो इन चीजों को आप इस ब्लॉग में आके चेकआउट कर सकते हैं और इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लोगों को पार्टिसिपेट करने के बदले में उन्हें एप्रिसिएशन गिफ्ट दिया जाएगा, जैसे कि 10 हीलियम डेवलपर किट्स, 10 ये भी एज इंडोर आउटडोर ट्रैकर्स फ्रॉम डिजिटल मीटर्स विद इन 3 मंथ, फ्री टेलीमेटिक गुरु सॉफ्टवेयर। तो ये सभी चीजें जो सर्वे पार्टिसिपेंट्स को दिया जाएगा, और उसका एक्सपेक्टेड शिपिंग डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली जहां तक मैंने चेक किया है, आप एज एन इंडियन रेसिडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना आप एलिजिबल शायद ना हो, एक बार आप इस पे आगे चेक खुद से कर सकते हैं। बट जो US के रहने वाले हैं वो रेसिडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करके इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो नए यूजर्स के बारे में हमने पहले भी बात की अपने पिछले वीडियो में सीनेट के बारे में, जो बिलियंस ऑफ IoT डिवाइसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसे कि मैंने बताया था कि हीलियम को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और जो मैंने एक चीज उस वीडियो में मेंशन नहीं की थी कि ये है रोमिंग पार्टनरशिप, जिसका मतलब यह है कि आउटसाइड ऑफ US जो कई सारे नेटवर्क यूज हो रहे हैं LoRaWAN के, वो अभी हीलियम कॉम्पैटिबल नहीं थे, बट सीनेट के साथ जब ये कोलैब कर रहे हैं तो इनका जो फ्यूचर का विजन है कि वो जो जितने भी हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी मौजूद है LoRaWAN LCN नेटवर्क यानी कि LoRa नेटवर्क पे काम कर रहे हैं उनको हीलियम कॉम्पैटिबल बनाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस और
IoT solutions इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट को और कंपनियों को प्रोवाइड कर सके ये। तो LoRa कंपैटिबल बनाने के लिए जो रोमिंग के नेटवर्क्स हैं उन पे काम शुरू करेंगे ये सीनेट के साथ, ताकि ये पूरे IoT इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सके। दूसरी अपडेट, इनके नेटवर्क यूजर के साथ साउदर्न कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी अब इनके साथ जुड़ चुकी है, और ये जो साउदर्न कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी है वो US के न्यू हेवन के अंदर आती है। जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियो में भी देखा है कि हीलियम ट्रैकर को यूज करके हम चेकआउट कर सकते हैं कि कितने सारे हॉटस्पॉट ऑनलाइन हैं वर्ल्ड वाइड, तो हमने देखा कि US पे बहुत सारे डेंस तरीके से ऑलरेडी मौजूद हैं हॉटस्पॉट, तो उसी तरीके से ये जो न्यू हेवन जगह है वहां पे ऑलरेडी कई सारे हॉटस्पॉट मौजूद हैं। बट अब हीलियम के साथ, जो साउदर्न कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ जो इनका कोलैबोरेशन हुआ है, ना ही ये सिर्फ और भी हॉटस्पॉट डिप्लॉय करेंगे, बट साथ ही साथ ये कुछ IoT सॉल्यूशंस पे भी काम करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करेंगे और लोकल कम्युनिटी के लोग हैं जो उनको भी जागरूक करेंगे इसके प्रति। तो इससे होगा क्या कि और भी इनोवेशन आएगा IoT डिवाइसेस में, बच्चे क्लास में ही हीलियम हॉटस्पॉट और IoT सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना और जानना शुरू कर देंगे, जिससे कि अल्टीमेटली हीलियम को भी फायदा होगा बहुत इन द लॉन्ग रन देखा जाए तो। तो ये थी पहली यूनिवर्सिटी जो हीलियम के साथ अपना पार्टनरशिप की है। अब पहले सिटी के बारे में जान ले। पहला सिटी जो पीपल्स नेटवर्क को डिप्लॉय कर रहा है, और एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन जो हमें पैंडेमिक के टाइम पे देखने को मिला था COVID-19 के बीच में, जब लॉकडाउन हुआ था, तो जितने भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको ऑफलाइन घरों पे कर दिया गया था। बट ऐसा देखा गया कि 95,000 प्लस सिटीजन्स जो सैन जोस में रह रहे हैं, जो कि एक जगह है सिलिकॉन वैली के अंदर, और सिलिकॉन वैली आप लोगों को पता है कितना बड़ा IT हब है वर्ल्ड का, तो इन सभी सिटीजन्स के चैलेंजेस को कंसिडर करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए, और साथ ही साथ जो मोबाइल डेटा कैरियर्स हैं उनके नेटवर्क फीस को, जो हम मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं वो रिचार्ज के फीस को कंसिडर करते हुए, इन्होंने ये रिजल्ट पे आए कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है और कई सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल है। तो इक्वली लोगों को एक्सेस टू इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, जो आज की डेट में एक ह्यूमन राइट होना चाहिए, एक बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए। तो उस प्रॉब्लम पे ये सैन जोस के साथ मिलके हीलियम नेटवर्क काम कर रही है। तो इनका जो पूरा प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क है वो कुछ ऐसा है, कुछ वॉलंटियर्स होंगे, कुछ वॉलंटियर रेसिडेंट्स होंगे, जैसे कोई घर होंगे, जो वॉलंटियर करेंगे सैन जोस के म्युनिसिपैलिटी और इनके साथ मिलके कि हाँ हम अपने घर पे हॉटस्पॉट आप लोगों को लगाने देंगे, और कुछ बिजनेसेस भी ऐसे वॉलंटियर होंगे और बिजनेसेस होंगे जो खुद भी हॉटस्पॉट को सैन जोस के अंदर डिप्लॉय करेंगे। अब डिप्लॉय करने से क्या होगा, क्योंकि ये वॉलंटियर हैं तो जितने भी प्राइज पॉइंट्स हैं ये इनके पास नहीं जाएंगे, ये सीधा गवर्नमेंट के पास जाएंगे, जो HNT जो भी HNT माइन होगा। तो हॉटस्पॉट लगाने से एक नेटवर्क तो बन रहा है, बट साथ ही साथ जो HNT माइन होगा उन पैसों को यूज करके ये जो 95 प्लस सिटीजन्स है जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है सैन जोस के अंदर, उन सभी को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा इस फंड के थ्रू जो ये कलेक्ट करेंगे HNT माइन करके। तो ये था एक बहुत बड़ा कवरेज हीलियम के अपडेट के ऊपर कि सैन जोस जो पूरी की पूरी सिटी है, जो पूरी की पूरी जो सेंट्रल ऑफ सिलिकॉन वैली है, वो अब पीपल्स नेटवर्क या फिर हीलियम नेटवर्क के साथ अब मिलके काम करने वाले हैं इस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। इससे होगा क्या कि और भी देशों में, और भी जगहों में, US के अंदर और भी कंट्रीज में इन चीजों को लोग एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज होती है हीलियम नेटवर्क जिसको हम डिप्लॉय करके और लोगों तक इंटरनेट एक्सेस करवा सकते हैं। तो आने वाले टाइम को देखते हुए अगेन ये बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है हीलियम के लिए। और कुछ और फायदे जो हीलियम हॉटस्पॉट को सैन जोस में लगाने से आएंगे वो ये रहेंगे, IoT डिवाइसेस से रिलेटेड की एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सकेगा, फायर डिटेक्शन किया जा सकेगा, क्लाइमेट रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं और भी जो IoT रिलेटेड चीजें हैं जिसको मॉनिटर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम के लिए, वो ये इजिली कर पाएंगे इस नेटवर्क को बनाने के बाद सैन जोस के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। दूसरा है NORADA की तरफ से। थोड़ा समझना पड़ेगा NORADA क्या है। NORADA एक एल्डरली केयर है, जहां पे ये कॉरपोरेशन लोगों को एल्डर केयर, तो जो बुजुर्ग लोग हैं और जिनके लिए आश्रम बने हुए होते थे उनमें उनको पहले रखा जाता था, बट पैंडेमिक के बाद लोगों ने ये सोचा कि हम अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को घर ही पे रख लेते हैं और उनको नर्सिंग घर ही पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए फिर जो हेल्थ केयर एम्प्लॉयज हैं उनको हर जगह जहां जहां पे बुजुर्ग लोगों को घर पे बुलाया गया वहां वहां जाके उनको उनके हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उनको वहां पे विजिट करना पड़ता है। तो विजिट करने के बाद जो भी उनके वाइटल्स होते थे कि हाँ इनका शुगर लेवल इतना, इनका ब्लड लेवल इतना है, ये हेल्दी है या नहीं है,
उन सभी डेटा को ये ऑनलाइन एक ऐप के थ्रू जो इनके स्मार्टफोन में हुआ करते थे उसे ये उनको केयर गिविंग करते थे और उनको ट्रैक करते थे। बट स्मार्टफोन से ऐप के थ्रू एक्सेस करने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आने लगी कि कुछ जो हेल्थ केयर एम्प्लॉयज घरों पे जाते थे अपना काम कम और स्मार्टफोन्स को यूज ज्यादा करते थे जिससे कि प्रोडक्टिविटी में ड्रॉप देखने को मिल रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हीलियम के साथ नोराडा ने अपना कोलैबोरेशन किया। तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया कि जो आईडी बैज है उस पे एक बटन रहेगा जिसपे वो क्लिक कर सकते हैं जो भी सीनियर सिटीजन हैं और अपने डिटेल्स को लॉक कर सकते हैं उनके क्लाउड ऐप पे और जो हेल्थ केयर के जो एम्प्लॉयज उनको चेकअप करने आएंगे वो डायरेक्टली आके बिना स्मार्टफोन्स का यूज किए वहीं से उन डिवाइसेस में उनका डेटा फीड कर देंगे और इससे क्या होगा कि इनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है जो एक्यूरेसी लेवल है वो सभी चीजें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात जो कॉस्ट आती थी उन सीनियर सिटीजन्स को होम केयर में रखने से क्योंकि जो ये कॉस्ट है जीपीएस ट्रैकर का यूजेज का वो $1 से भी कम है पर ईयर क्योंकि हम जानते हैं कि डेटा क्रेडिट्स की वैल्यू कितनी कम है कंपेयर टू हमारे सेल्यूलर डेटा चार्जेस और नेटवर्क चार्जेस। तो अगेन ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हुआ है नोराडा और हीलियम के बीच में। अब आते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि है POCV11 एक्टिवेट्स अक्टूबर 18th। तो ये POC11 कोई नई चीज नहीं है, ये प्रूफ ऑफ कवरेज ही है जिसका वर्जन अपग्रेड किया गया है 11 और इसके सभी डिटेल्स इस ब्लॉग में मिल जाएंगे आपको। तो इन्होंने और भी ज्यादा फोकस किया है रेगुलेटरी और कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स पे जो इनके चेन वेरिएबल्स पे हैं। तो इससे ये होगा कि जो भी हॉटस्पॉट ओनर्स हैं जिनके पास हॉटस्पॉट है वो लोकल और रीजनल ट्रांसमिशन के जो रेगुलेशंस हैं जैसे इंडिया में आपके लिए आपके नेटवर्क के लिए कुछ रेगुलेशन होगा कि आप इतने का एंटीना का इस्तेमाल कर सकते हैं और इतने बैंडविड्थ के नेटवर्क को ही आप कैप्चर कर सकते हैं, वैसे यूएस में अलग होगा यूरोप में सभी जगहों पे अलग अलग होगा। तो उन सभी रेगुलेशन से अलाइन और कंप्लाई करने के लिए इन्होंने ये अपडेट लाया है अपने प्रूफ ऑफ कवरेज वर्जन 11 के अंदर और इसे जो HNT माइन होंगे जो रिवॉर्ड होंगे वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे और ये पॉजिटिवली होंगे नेगेटिवली होंगे वो डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। आपको बस इंश्योर करना होगा कि जो हॉटस्पॉट है वो करेक्ट लोकेशन में हो और आपका जो एंटीना हो वो 1 से लेके 15 dBi के अंदर हो और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अक्टूबर 18th को। तो यहाँ पे आके आप और भी पढ़ सकते हैं, इस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां पे जाके ये सभी अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। फ्रीडम फाई का अगर हम बात करें तो फ्रीडम फाई ने अपनी शिपमेंट शुरू कर दी है, बहुत लोगों को शिपमेंट मिलना शुरू हो गया। जैसा ट्विटर पे अगर हम इनके हैंडल पाएंगे तो देखेंगे कई सारे लोगों ने ये फ्रीडम फाई का 5G हॉटस्पॉट उनको मिल गया है और लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक पर्सन है जो 5G हीलियम हॉटस्पॉट जिसको मिला है और ये जो भी 5G के हॉटस्पॉट हैं वो सिर्फ यूएस के अंदर प्रोवाइड किया गया है, हमारे इंडिया के लिए नहीं। बट हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे कि आप इंडिया में कैसे अपने लिए हीलियम हॉटस्पॉट मंगवा सकते हैं, एक आपको पोटेंशियल तरीका बताएंगे जहां पे आप जाके पता कर सकते हैं। अगले अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हम इस बात पे थोड़ा आपको क्लियर कर दें कि जैसे कि आप 4G डेटा प्लान के लिए आप कुछ अमाउंट देते थे वैसे ही अब आप आने वाले टाइम में एयरटेल जियो आपसे 5G के लिए चार्ज करेंगे। तो ये जो कंपनी है एयरटेल जियो वैसे ही एक और कंपनी है जिसका नाम है जिग स्काई और हीलियम के साथ इनका फर्स्ट 5G मोबाइल प्लान का कोलैबोरेशन हुआ है और इस कोलैबोरेशन से इन्होंने लिखा है द कोलैबोरेशन विल जंप स्टार्ट 5G यूजेज बाय फोन्स एंड अदर कंपैटिबल डिवाइसेस रिवॉर्डिंग 5G गेटवे ऑपरेशन विद HNT फॉर द डेटा ट्रांसफर एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट पॉसिबल ऑन डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय पीपल पेविंग द वे फॉर एडिशनल मोबाइल प्लान्स ऑन द नेटवर्क। और रीड मोर के लिए आप यहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ग्रेट गिग्स का ही अभी सिर्फ यूएस के अंदर है और वहां के लोगों को ये 5G नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर के लिए HNT प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे और ये कितनी बड़ी बात है हीलियम के लिए। आशा करते हैं जल्दी ये चीज इंडिया में भी जल्दी से जल्दी आए ताकि हम और आप इस नेटवर्क अपडेट का भी फायदा उठा सकें। फिर कुछ डेवलपर अपडेट्स हैं, मैंने आपसे पिछले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एजूर के बारे में बात किया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हीलियम का जो ऐप है वो 3.6.0 का रिलीज दे रहा है, कुछ एडिशनल फीचर जैसे कि आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की न्यूज अपडेट हीलियम की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए हीलियम के ऊपर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हीलियम लिखिए। जितना ज्यादा लोग आप हीलियम लिखेंगे
करेंगे उतना ज्यादा और भी वीडियोस हम हीलियम के ऊपर लाएंगे। तो जाने से पहले एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर माइनर बडीज के तरफ से है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो माइनर बडीज हैं उनको जी न्यूज ने भी कवर किया था एक महीने पहले, क्योंकि ये ACIS माइनर और कई सारे माइनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर जो इनका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे जाके इनको टेक्स्ट करिए और इनसे पूछिए कि ये हीलियम हॉटस्पॉट कब तक ला रहे हैं और हमें कब तक प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा लोग आप इनके सामने डिमांड रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा हमारे इस पूरे कम्युनिटी के लिए जो इंडिया में है, और ये HNT माइनर को इंडिया में इंपोर्ट करके हम तक प्रोवाइड कर सकेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और इनको एटलीस्ट एक बार मैसेज करिए और इनसे पूछिए हीलियम हॉटस्पॉट के लिए, और डिमांड करिए अगर इस वीडियो के थ्रू कम से कम 100 लोग भी जाते हैं माइनर बडीज के तरफ और इनसे डिमांड रखते हैं, तो होपफुली माइनर बडीज भी कंसिडर करेंगे हीलियम हॉटस्पॉट को इंपोर्ट करवाना इंडिया के अंदर, ताकि हम और आप इसको अफोर्ड कर पाए इंडिया के अंदर भी। तो यहाँ पे वीडियो खत्म करने से पहले आपको हमारा फीस देना होगा, जो हमारा फीस हमेशा रहता है, क्योंकि सभी लोग आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपसे कुछ ना कुछ फीस जरूर चार्ज करते हैं। तो हमारा फीस जो यहाँ पे है वो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम माइनर बडीज से ज्यादा रिक्वेस्ट भी पुट कर पाए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को भी रीच मिले आप लोगों के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चैनल को बने रहने के लिए और ऐसे वीडियोस लाते रहने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टो वेंचर एंड स्टे ट्यून्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।